हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन का हलवा। आशा करती हूँ आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बेसन का हलवा बनाना। बेसन का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में डाल देंगे देसी घी। यहाँ पे मैंने 3 से 4 टेबलस्पून देसी घी लिया है। जब घी गर्म हो जाए तो हम उसमें डाल देंगे बेसन। यहाँ पे मैंने आधा कप बेसन लिया है, मैं कप से ही माप रही हूँ। फ्लेम लो रखें और इसको हम अच्छे से घी के साथ भून लेंगे। हमें इसको तब तक भूनना है जब तक कि इसकी सारी अच्छी वाली स्मेल ना चली जाए बेसन की और बेसन गोल्डन ब्राउन सा ना हो जाए। इसको हमें गोल्डन ब्राउन करना है और याद रखें कि फ्लेम लो रखें और इसको कंटिन्यूअसली हमें चलाते रहना है, वरना ये नीचे लग जाएगा। ये देखिए हमारा बेसन बस भुनने ही वाला है। जब हम घी थोड़ा ज्यादा यूज करते हैं बेसन में तो ये जल्दी भुन जाता है। अगर हम घी ज्यादा कम रखेंगे तो ये एकदम ऐसे पतला नहीं होता, बिल्कुल फरफरा होता है, तो उस बेसन को भूनने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। अगर आप घी थोड़ा सा ज्यादा डालेंगे कुछ इस तरह दिखेगा पतला लिक्विड, तो ये जल्दी भून के तैयार हो जाता है। अब हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर। यहाँ पे मैंने 8 हरी इलायची से बीज निकाल के कूटा है इन्हें, इनको डाल देंगे। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसमें फ्लेवर आ जाएगा अच्छा सा इलायची का। अब हम इसमें डालेंगे दूध, थोड़ा थोड़ा करके, एकदम से बहुत सारा दूध ना डाल दें। अभी मैं यहाँ पे 1 कप दूध यूज कर रही हूँ और याद रखें कि दूध गर्म हो। लीजिए इसको हिला लेंगे अच्छे से। ये देखिए एकदम से दूध एब्जॉर्ब हो जाएगा बेसन में। अगर आप एक साथ बहुत सारा दूध डालेंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है। अब हम 1 कप दूध और डालेंगे और याद रखें दूध तेज गर्म हो। इसको हिलाते रहें वरना ही नीचे लग जाएगा। अब हम इसमें 1 कप और दूध ऐड करेंगे। ये देखिए बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं है क्योंकि हमने थोड़ा थोड़ा दूध करके ऐड किया है। इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। ऐसे ही पकने के थोड़ी देर, कुछ देर हिलाने के बाद ये देखिए कुछ ऐसा हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा और दूध ऐड कर रही हूँ जिसमें मैंने 8 से 9 केसर के धागे डाल के भिगा रखा था। ये गर्म दूध में ही मैंने 8 से 9 केसर के धागे डाले थे क्योंकि इसका कलर बहुत लाइट हो जाता है, तो मैं इसका लाइट कलर को दूर करने के लिए, थोड़ा इसको डार्क करने के लिए इसमें केसर डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें फूड कलर भी यूज कर सकते हैं, ऑरेंज या फिर येलो कलर का। और फूड कलर ज़्यादा यूज ना करें, वो 1-2 ड्रॉप से ही काफ़ी अच्छा कलर आ जाता है। ये देखिए इसका कलर थोड़ा येलो हो गया है, वरना ये बहुत ज़्यादा लाइट हो गया था। बेसन का कलर बहुत लाइट हो जाता है क्योंकि हम बेसन में, क्योंकि इसमें देखिए आप काफ़ी सिर्फ आधा कप लिया था और दूध हमने इसमें 3.5 कप डाला है। आधा कप के करीब ही अभी दूध डाला था मैंने और 3 कप पहले डाला था, तो 3.5 के करीब हमने दूध डाला है, तो उसके दूध के सफ़ेद होने की वजह से ये पूरा वाइट सा हो जाता है, इसलिए हमें इसमें केसर मैंने यूज़ किया। आप फूड कलर यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी, शुगर। अब मैं यहाँ पे चीनी मिलाऊंगी, तो चीनी यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 1/4 कप, यानी बेसन का भी आधा। बेसन हमने आधा कप लिया था, चीनी आधे से भी आधा कप। बहुत ज़्यादा मीठा भी ना करें इसको, क्योंकि ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं लगता और ज़्यादा फीका भी नहीं। अच्छे से मिला लेंगे। अब ये हमारा ऑलमोस्ट बन के तैयार है।
सिचुएशन में, स्टेज में आके हम इसमें आधा कप दूध और ऐड कर रहे हैं, आधा कप गरम दूध। इसको भी अच्छे से मिला लेंगे। इसमें पतला इसलिए कर रही हूँ, पतला काफ़ी अच्छा होता है और ये थोड़ी देर बाद जब ठंडा होने लग जाता है तो ये थोड़ा हार्ड हो जाता है, इतना पतला नहीं रहता इस वजह से। और इसमें जितना आप दूध डालेंगे ना ये उतना ही टेस्टी होगा, तो दूध डालने में इसमें कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। लीजिए फ्रेंड्स, हमारा हलवा बनकर एकदम तैयार है बेसन का, और ये बहुत ही अच्छा होता है, और सर्दियों में तो ये बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि ये गर्म होता है। तो गैस ऑफ कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे मैंने काजू बादाम और किशमिश लिया है जिन्हें मैंने मोटा मोटा तोड़ लिया है काजू बादाम को, आप चाहें तो बारीक काट भी सकते हैं, और आप कोई से भी ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अच्छे से मिला लें। अब चाहे आप इस बेसन के हलवे को गरम गरम खाएं या ठंडा कर लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा बेसन का हलवा बनकर एकदम तैयार है। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा बनाई गई ये बेसन के हलवे की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।